हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे झींगा फिश करी, और इसे प्रॉन्स भी कहते हैं। और साथ में मैंने एक और फिश बनाया है, और इसका नाम मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें। तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 15 से 20 लहसुन के गांठ लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये 3 लहसुन के गांठ मैंने छील करके ले लिया है, ये है 2 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने 4 टुकड़ों में से कट कर लिया है, 1 बड़ा चम्मच सरसों का दाना लेंगे, आप काला वाला भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर पीला वाला लिया है, ये है 2 मीडियम साइज़ का टमाटर। सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, काफ़ी बढ़िया फाइन पेस्ट बना लेना है आपको। और यहाँ पर मैंने ये 1 किलो प्रॉन है ये झींगा, लेकिन क्लीन करने के बाद लगभग ये 500 से 600 ग्राम ही रह जाता है, क्योंकि आधा जो है इसका वेस्टेज निकल जाता है। और ये बड़ा वाला प्रॉन है, और साथ में जो ये वाला देख रहे हैं आप, इसका मुझे नाम नहीं पता इसको कौन सा फिश बोलते हैं। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर सारे फिश को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो नमक डाल देंगे आधा चम्मच करके दोनों में, हल्दी 1/4 छोटी चम्मच, और धनिया पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, लाल मिर्च 1/4 छोटी चम्मच, बस हम इतना ही मसाला डालेंगे। और दोनों को हम अच्छे से मिला देते हैं, अच्छे से मसाले को मिक्स कर देते हैं। प्रॉन्स कई तरीके का आता है, छोटा बड़ा, छोटा वाला भी आता है, तो ये मैंने बड़ा वाला लिया है, और ये मैंने मार्केट से ही क्लीन करवा करके लिया है। अगर आप घर पे क्लीन करते हैं तो, घर पे अगर ऐसे लाते हैं तो खुद से क्लीन करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मैंने सरसों तेल इसमें डालना है, लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच डालना है, और इस तरह से फैला करके डालना है ताकि कढ़ाई अच्छे से तेल से कोट हो जाए। तेल को अच्छा गर्म होने देना है, मतलब धुआं उठने तक, और गैस के फ्लेम को हाई पे रखेंगे। हमेशा फिश को हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना चाहिए। और मैं यहाँ पर पहले बड़ा वाला फ्राई कर ले रही हूँ, इसके बाद जो झींगा है उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पहले मैंने सारा डाल दिया है बड़ा वाला, और ये वज़न में 300 ग्राम था, ये कम था वो ज़्यादा था, और दोनों को मैंने एक साथ ही बना लिया। जब दोनों ले आए हैं तो फिर मैंने दोनों एक साथ ही बना लिया। अब हम इसको एक साइड से अच्छे से अच्छा गोल्डन होने देंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। तो देखिए जब ये अच्छे से फ्राई हो जाता है ना एक साइड से, तो अपने आप ही कढ़ाई से हटने लगता है, चिपकना बंद हो जाता है। तो देखिए जब ये फ्राई हो जाता है ना, तो इस तरह से आपको दिखेगा, और बहुत ही आसानी से कढ़ाई में से हट जाता है। दोनों ही साइड से अच्छा गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुका है। इसके बाद ये बचे हुए तेल में ही हम डाल देंगे यहाँ पर सारा प्रॉन्स। और इसको भी हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो जब ये झींगा फिश हम फ्राई करते हैं ना, तो ये मतलब बाकी फिश से अलग होता है। इसको जब फ्राई करेंगे ना तो बहुत सारे ये पानी छोड़ देता है, बाकी के फिश में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ देखिए पहले कितना ज़्यादा लग रहा था, और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हुआ अभी, और पानी देखिए कितना सारा छोड़ रहा है। तो देखिए साइज में भी थोड़ा छोटा हो जाता है, क्वान्टिटी में भी लगता है कम हो जाता है। और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए ये भी खूब अच्छे से फ्राई हो गया। इसका एक ख़ास बात है, एक अच्छा बात ये है कि ये टूटता नहीं है फ्राई करते वक्त, बाकी की फिश टूट जाती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इसको आप जैसे मर्जी अच्छे से फ्राई कर लो, टूटती नहीं है। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में से, काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है। और देखिए फ्राई किया हुआ भी खाइए कितना मज़ेदार लगता है खाने में, खा सकते हैं इसको ऐसे भी, आ गया ना देख कर के मुँह में पानी। तो फ्राई वाला भी ये फिश बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ हम बचे हुए तेल में डालेंगे 4 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 छोटी चम्मच जीरा, सारे चीज़ों को पकने देंगे, हल्का ब्राउन होने देंगे। आप चाहे तो इसमें कोई और भी खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ज़्यादा मसाला नहीं डाला है, क्योंकि वो ग्रेवी में फिर खड़े खड़े मसाले आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, खास करके बच्चों को पसंद नहीं आता है।
और इसके बाद ये प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो यहाँ सारा चीज़ पक चुका था जो खड़े मसाले थे, मतलब मिर्च, तेज पत्ता, जीरा। तो अब यहाँ प्याज टमाटर के पेस्ट को हम अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि हमने इसको कच्चा पीसा है ना, तो इसको अच्छे से भूनना ज़रूरी है। ये पेस्ट कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसको लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए। इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये देखिए धीरे धीरे ड्राई होने लगा है। तो देखिए पूरे तरीके से ड्राई हो चुका है, मतलब अच्छे से भुन गया है, जितना भी इसमें पानी था पूरा सूख चुका है। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें आप तीखा जितना पसंद करते हैं उतना डालिएगा अपने हिसाब से। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च कम डालिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो सके, क्योंकि ड्राई मसाला है ना, तो मिक्स करने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ना, तो मसाला जो है काफ़ी अच्छा स्मूथ हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है। और अब हम मसाले को खूब अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, देखिए अच्छे से भून चुका है। मैंने इसको लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मसाला को भून लिया है। मसाला खूब अच्छे से भून चुका है, कढ़ाई में स्लिप हो रहा है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप इसमें डाल लीजिए अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, जितनी आपको ज़रूरत हो, या फिर जैसी ग्रेवी आप पसंद करते हैं, गाढ़ा या पतला। मैंने यहाँ टोटल 2 ग्लास पानी डाला है। अब हम ग्रेवी में उबाल आने देंगे। तो यहाँ देखिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको खूब अच्छे से उबाल लिया है 2 से 3 मिनट तक। तो ग्रेवी को ना 2-3 मिनट के लिए पहले ही आप उबाल लीजिए, अच्छे से इसमें बॉयल आने दीजिए। और इसके बाद गैस के फ्लेम को लो करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ सारा फिश। दोनों ही फिश मैंने डाल दिया है, मिला देंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो टूट भी सकते, जो बड़ा वाला है ना वो टूट भी सकती है। अब हम लो फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। आप चाहे तो ढककर पका लीजिए या फिर खुले ही पका सकते हैं आप। तो यहाँ पर 5-7 मिनट हो चुका है और यहाँ पर देखिए फिश करी तैयार है। दोनों ही फिश कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में। ग्रेवी पहले से गाढ़ा हो चुका है, अब हम इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। इसको गैस को ऑफ कर देंगे और लास्ट में यहाँ पर हम डाल देंगे हरा धनिया। आप इस फिश करी को रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये दोनों मिक्स करके जब बनाते हैं ना और भी टेस्टी लगता है। तो साथ में अगर 2-3 तरह का फिश मिला करके आप बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो 10 मिनट ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम सर्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए 10 मिनट ठंडा हो चुका है और देखिए कितना मज़ेदार फिश करी बना है। इतना टेस्टी दिख रहा है ना, किसी को भी देख करके मुंह में पानी आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।